दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में तेज बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है। तेज बारिश के चलते एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। आईटीयू समेत सेंट्रल दिल्ली में तेज बारिश से बुरा हाल हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में तेज बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है। तेज बारिश के चलते एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। आईटीयू समेत सेंट्रल दिल्ली में तेज बारिश से बुरा हाल हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं दिल्ली में बाढ़ को लेकर सियासत भी जारी है। यमुना में आई बाढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सारे बड़े बड़े संस्थान आईटीओ के पास है जहां ये यमुना बहती है। पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो इन्होंने पहुंचा ही दिया था। वो तो हमारे लोगों की मुस्तैदी थी जो रात भर खड़े होकर पानी रुकवा दिया, वरना षड्यंत्र था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा कर ले जाए। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को बहुत तकलीफ है। ये बहुत घटिया राजनीति है, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। सुनिए आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। सारी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन आईटीओ के पास है जहां से यमुना बहती है, और पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया था इन्होंने। वो तो हमारे लोगों की मुस्तैदी थी जो रात भर खड़े होकर उन्होंने रुकवा दिया, वरना षड्यंत्र तो था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा के ले जाएं। आजकल बड़ी तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को। ये बहुत घटिया राजनीति है और इस राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता। इस राजनीति से जो है आप कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु बनाएंगे देश को, ऐसा हो नहीं पाएगा। इस राजनीति से ना आप डेवलपमेंट ला सकेंगे, इस राजनीति से ना आप विदेशों में नाम कर सकेंगे, इस राजनीति से तो पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है बदनाम होगा। मैं दोबारा कहना चाहूँगा केंद्र को और हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, आके आप इस तरीके की राजनीति से बचिए। ये राजनीति तो विध्वंसकारी राजनीति है। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल से जनता सवाल पूछ रही है। सीएम केजरीवाल, आप इधर उधर की बात न करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए, यमुना साफ क्यों नहीं कर पाए। सुनिए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने क्या कहा। आपसे अरविंद केजरीवाल जी ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है, कृपया करके ये बताइए 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए। पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जहां एक तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली वालों की मुसीबत कब कम होगी।